इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की विदाई तय कर दी है। 4 चरणों के चुनाव अब तक हो चुके हैं और 4 चरणों में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताजुब होगा, ये इलेक्शन रहने के वजह से हर लोग ये अचंभे से ही इसको देखते हैं और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है। और वहीं 4th चरण के मतदान के बाद इंडिया गठबंधन का बड़ा ऐलान, इंडिया की सरकार बनने पर 10 किलो राशन फ्री देंगे। खड़गे ने कहा है, 5 की जगह हम 10 किलो फ्री देंगे राशन। आपको कहूंगा कि यहां पर 5 केजी चावल की बहुत चल रही है। मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, 5 केजी देंगे। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो करे हैं, देख अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया। और इस बीच लखनऊ में इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अखिलेश यादव, 4 जून को इंडिया की सरकार बनने वाली है। बीजेपी की 140 सीटें भी नहीं आएंगी। बीजेपी का रथ फंसा नहीं, धस गया है। बीजेपी नेगेटिव नरेटिव में फंस गई है। उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धस गया है। और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इधर पश्चिम बंगाल के हुगली में अमित शाह का पीओके पर बड़ा बयान, पीओके भारत का है, इसे हम लेकर रहेंगे। अब पीओके में पत्थरबाजी होती है, अमित शाह ने कहा, अब पीओके में आजादी के नारे लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है,
पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है पाक कॉपी को। पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2,11,00,000 टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है, आटे के भाव ने। मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव का चरण आगे बढ़ रहा है, सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए अमित शाह, ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। चौथे चरण का मतदान खत्म होने के बाद पक्ष और विपक्ष बड़े दावे कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि बाकी के 3 चरण में 400 पार की लड़ाई होगी। आज मैं बताकर जाता हूँ, 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। अमित शाह के जवाब में ममता ने कहा एनडीए को 190 से 195 सीटें मिलेंगी। कल के पर्यंत আমাদের কাছে যা হিসাব আছে তাতে ওরা বড় জোর 190 থেকে 195 আর ইন্ডিয়া জোর 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে, 3-4 পার্টি বাদ দিয়ে এখনো, কাজেই মোদি আসছে না। ভাই রাহুল গান্ধী ने রায়বরেলী से बड़ा दावा किया। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, रायबरेली की जनता लिख लो, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी शाम को मुंबई के घाटकोपर में रोड शो करेंगे और इससे पहले वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हम स्वागत करेंगे आदरणीय मोदी जी का। धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद शाम को मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर रोड शो करेंगे। विश्वास को अधिक बल मिलता है। आज महाराष्ट्र में पीएम की पहली जनसभा 2:15 डिंडोरी में है, उसके बाद पीएम मोदी 5:15 कल्याण में जनसभा करेंगे। महाराष्ट्र में 2 जनसभाओं के बाद पीएम मोदी शाम 7:15 मुंबई के घाटकोपर में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का ये रोड शो 2.5 किलोमीटर लंबा होगा। इसके लिए बीजेपी और सहयोगी दलों ने पूरी तैयारी की। यहाँ से बीजेपी ने मिहिर कोटेचा को उम्मीदवार बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको मिलने के लिए घाटकोपर वेस्ट में LBS रोड पर अशोक सिल्क मिल से शुरू होने वाले रोड शो में आने वाले है। ये रोड शो की समाप्ति घाटकोपर ईस्ट में पार्श्वनाथ जैन दिरासर पे होने वाली है। 20 मई को महाराष्ट्र की मुंबई, ठाणे और नासिक समेत कुल 13 सीटों पर वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में राज्य की 48 सीट में से 35 पर मतदान हो चुका है। 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 सीट पर अंतिम दौर का मतदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में होंगे, रोड शो करेंगे, लेकिन इस बीच संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां रोड शो करेंगे वहां बीजेपी की हार होगी। आज मोदी जी नासिक में भी है, मुझे लगता है कल्याण में भी है, तो यहाँ रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी और काम कब करेंगे? दिल्ली में कब बैठते हैं? पूरे दिन तो रोड पर घूम रहे हैं चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री का काम नहीं है। प्रधानमंत्री पहले भी आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन पूरे दिन 8-8 दिन रोड पर सड़क पर, ये तो पहले प्रधानमंत्री है, लेकिन ये हारने का डर है।
खास करके मुंबई और महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ मोदी जी जाएंगे वहाँ वहाँ शिवसेना महाविकास आघाड़ी जीतेगी, ये लोगों ने तय किया है। आप यहाँ आज है, यहाँ बीजेपी हार रही है, आप एक ने चार रोड शो कर लो, आप कहीं भी जाइए, जहाँ मोदी जी जाएंगे वहाँ हम जीतेंगे, ये नया सूत्र है, ये नया मंत्र है। और एक बड़ी खबर है, नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, चाचा का शरीर एनडीए में, मन हमारे साथ है। तेजस्वी यादव ने कहा है बीजेपी ने चाचा को हाईजैक कर लिया है, चाचा बीजेपी के साथ खुश नहीं है, चाचा का आशीर्वाद हमारे साथ है। चाचा ने कहा था कि जो लोग 14 में आए हैं वो लोग 24 में जाएंगे, वही काम में हम लगे हुए, जो चाचा जी सिखाए हमको कि 14 वाले के 24 में बाहर करना है, वही काम में आए हम। अरे तो चाचा जी को तो हाईजैक ना कर लिया है, तो उसी काम में, और हमको पूरा विश्वास है कि चाचा जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, और वो भी दिल से चाहते हैं कि 14 वाले 24 में जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नॉमिनेशन था, नामांकन था, चाचा जी का तबियत खराब हो गया, पूरा सहयोग मिल रहा है तेजस्वी को चाचा का, चिंता मत कीजिए, जो झंडा उठाए कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे उस काम में लग गया तेजस्वी। और चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव का बयान बता रहा है कि वो नीतीश कुमार के बिना कमजोर हो गए हैं। मतलब उनको इस बात का एहसास है ना कि बिना हमारे मुख्यमंत्री के ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमजोर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना। आज जब वो उनके साथ गठबंधन में नहीं भी हैं, तब भी उनके नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर ये अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। गया वो जमाना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसला कर ये लोग उलझा लेते थे। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानकार है कि वो आपकी मंशा को भली भांति भाग सकती है। जनता जानती है कि कितना मजबूत हम लोगों का एनडीए गठबंधन है, जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कैसे पूरा एनडीए हम लोग एक साथ, हम लोग प्रचार में हम लोग उतरे हुए हैं। राम मंदिर का शुद्धि कराने के नाना पटोले के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे, राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे। नाना पटोले का ये वही बयान है जिस पर बीजेपी आग बबूला है। असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने कांग्रेस पर पलटवार किया और सवाल किया कि क्या एक दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू मंदिर का शुद्धिकरण करेगा, अगर ऐसा होगा तो इससे बवाल हो जाएगा, देश जल जाएगा। कांग्रेस का सभा नेत्री कौन है? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का धर्म क्या है? तो एक क्रिश्चियन व्यक्ति जाके हिंदू मंदिर का शुद्धिकरण करेगा? सोनिया गांधी एक क्रिश्चियन महिला है, और सोनिया गांधी एक क्रिश्चियन महिला होते हुए हमारे राम मंदिर का शुद्धिकरण करेगा, अलाउ करेगा इसको? इसमें तो बवाल हो जाएगा, देश जल जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं? नाना पटोले का दिमाग में माल होना चाहिए कि मेरा कांग्रेस पार्टी का लीडर सोनिया गांधी है, वो क्रिश्चियन है, वो कैसे हिंदू मंदिर का शुद्धिकरण करेगा? और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने पीओके को लेकर भी एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को 400 सीटें मिलेंगी तो पीओके भारत का हो जाएगा और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर भी बनेगा। लोग हम लोग से पूछते रहा, भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए? तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए, तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था
हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा सारसा सिद्ध होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके किया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। सर आ रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पटाखा हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 700 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह आरोप लगाया है कि ममता बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती हैं और कांग्रेस भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। ममता बनर्जी बंगाल को बनाना चाहती है मुस्लिम राज्य। वो रोहिंग्या के लिए, घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट। आज से दोस्त पिछले चुनाव में इनके मंत्री कहते थे पत्रकारों को, चलिए मिनी पाकिस्तान दिखाता हूँ, यानी बंगाल को भारत का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी और लालू यादव, वो आज कर्नाटक में उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे करके। भविष्य में देश में ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इसीलिए मुसलमान को आरक्षण देने की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही जैसे लोगों को कतई मंजूर नहीं, इसका हम विरोध करेंगे। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बीती रात अचानक से रायबरेली के जिला अस्पताल पहुंच गईं, जहां उन्होंने कांग्रेस के एक घायल समर्थक से मुलाकात की। तस्वीरें रायबरेली के जिला अस्पताल की हैं। अस्पताल के बेड पर पड़े इस शख्स का नाम ज्वालिपा नाई है। ज्वालिप राहुल गांधी की रैली में शामिल होने के लिए रायबरेली के लालगंज गए थे। रैली के बाद राहुल गांधी ने जनसभा की थी जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक शामिल हुए थे। ज्वालिपा भी उस जनसभा में मौजूद थे। राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद जब वो वापस घर लौट रहे थे, उसी वक्त रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए। प्रियंका गांधी अमेठी दौरे से देर रात वापस आई। घटना की उन्हें जानकारी मिली और उसके बाद आधी रात को ही प्रियंका घायल समर्थक का हाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अस्पताल पहुंचकर प्रियंका गांधी ने घायल कांग्रेस समर्थक का हालचाल जाना, उनसे हादसे के बारे में बात की और हिम्मत बढ़ाई। प्रियंका गांधी ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से ज्वालिपा के इलाज के बारे में भी बातचीत की और उसके बाद घायल कांग्रेस समर्थक के साथ मौजूद महिला को भी गले लगाकर सांत्वना दी। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर दिल्ली में संग्राम छिड़ गया। आम आदमी पार्टी के नेता सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं। केजरीवाल इस्तीफा दो, महिलाओं को ये अपमान। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करने वाले विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। महिलाओं की आवाज दबाने का काम जो केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम जब तक इस चीज का विरोध करेंगे जब तक कि पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती। महिला की आवाज को हमारे सीएम साहब दबा रहे हैं, बेल पे है, उसके बावजूद इनकी वो देखिए, आप कहीं भी नहीं जा सकते, किसी डिपार्टमेंट नहीं जा सकते, आपसे कोई बात नहीं कर सकता। और बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुज्जर भी बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हैं। टीवी 9 संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल खुद आवाज नहीं उठा रहे, आप उनकी आवाज बनकर सामने आ रहे हैं। देखिए, ये स्वाति मालीवाल का मामला नहीं है, ये आम उस महिला के सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री का दायित्व होता है लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करना, हर वर्ग को सुरक्षा देना।
लेकिन यहाँ उनकी जनप्रतिनिधि एक महिला नेता ही सुरक्षित नहीं है, जो पहले महिला आयोग के अध्यक्ष थी, जिनके ऊपर दायित्व था महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, उनको सुरक्षा देना। वो राज्यसभा की सांसद है, उनके साथ मुख्यमंत्री में आवास में दुर्व्यवहार, इससे बड़ी शर्मनाक घटना। क्या कार्रवाई आप लोग मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं नैतिक आधार पर। ये स्वाति मालीवाल की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली की आम हर उस महिला की लड़ाई है जो आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है केजरीवाल के राज्य में। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि अलका गुजर हमसे बातचीत कर रही थी, जिनका कहना है कि स्पष्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना की बात यहाँ पर नहीं है, उन तमाम महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है जो दिल्ली में रहती हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की टीवी 9 संवाददाता वीरेंद्र सचदेवा से, जो बातचीत की गई है सुनाते आपको इस दौरान उन्होंने क्या कहा है। आप लोग लगातार इस पर आवाज उठा रहे, लेकिन स्वाति मालीवाल जो पीड़ित है वो खुद ही सामने नहीं आ रही। देखिए, राजनीतिक दबाव के चलते उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज दिल्ली में जो बहनें उतरी अपनी एक बहन के लिए, सम्मान के लिए, अगर मुख्यमंत्री आवास में एक महिला सांसद के साथ अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है, मैंने कल भी कहा था आज फिर कहता हूँ, खेल इससे बड़ा है, इनके कारणों की जांच होनी चाहिए। और जब उनके सांसद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मारपीट हुई है, तो मुझे लगता है कि खुद पुलिस को आगे आके इसकी जांच करनी चाहिए। सांसद संजय सिंह ने यह भी कहा कि सख्त कार्रवाई अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक बहन के साथ अगर अत्याचार होता है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री को कितना समय चाहिए कार्रवाई करने के लिए, उसी समय पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज करे, उसी समय कार्रवाई के लिए क्यों नहीं कहा, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल खुद संदेह के घेरे। यहाँ से ये भी लोग लगा रहे हैं कि मामला कुछ बड़ा लगता है, इसको कहानी कुछ और लग रही है। मैंने कहा ना कि मामला इससे बहुत बड़ा है, आम आदमी पार्टी का जो भीतरी चरित्र है वो इस चरित्र को खुलने का बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल इस विषय को दबाना चाहते हैं। स्वाति मालीवाल मामले पर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है, अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो DCW की हेड रही हैं, महिला सुरक्षा की जिन्होंने बात की है, जो आज के तौर में राज्यसभा की सांसद हैं, ऐसे गंभीर इल्जाम वो क्यों लगा रही हैं? और विभव के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, हमारे जैसे लोग जिन्होंने बहुत सालों से उनके साथ काम किया है, उठे बैठे हैं कि किस तरह का इंसान वो है और किस तरह से वो केजरीवाल जी के आदेश मानता है। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता को ये जानना चाहिए क्या है असलियत केजरीवाल जी की। 31 घंटे बाद CM जागे हैं, संजय सिंह जागे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। असल में कहीं ना कहीं लगे थे कि हम किस प्रकार से इस मामले को दबा लें। संजय सिंह ने एक बात और कही कि उनके ड्राइंग रूम में उनके साथ बदतमीजी की विवेक कुमार ने करी, और ये भी कही कि उन्होंने PCR कॉल करी थी। तो कृपा कर उनकी PCR कॉल पढ़ देते कि PCR कॉल में क्या कहा था। उन PCR कॉल में कहा था मैं CM के घर पर हूँ, उन्होंने अपने PA वैभव से मुझे बुरी तरह पिटवाया है, ये एग्जैक्ट वर्ड हैं उनके PCR में। तो इसमें तो CM भी दोषी हैं, इसमें तो केजरीवाल भी दोषी हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है, स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जय हिंद का बड़ा दावा है, स्वाति की जान को खतरा है। नवीन जय हिंद ने कहा है डरा धमका कर चुप कराया गया है, साजिश के तहत हमला हुआ है। तो जो दिल्ली में घटना हुई है, दिल्ली CM हाउस जो आप बोलते हो, ये गटर हाउस है पहली बात तो ये, और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी FIR होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में हुई है और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की, और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है, वरना कोई ऐसे फ़ोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। अभी भी उसकी आवाज़ दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है। मैं देश का गृह मंत्री से भी, दिल्ली पुलिस महिला आयोग जो नेशनल है, उनसे भी, उनकी भी चुप्पी मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। ये ना हो कल ना कि स्वाति एक्सीडेंट हो गया स्वाति का, या स्वाति ने और कुछ कर लिया। बहुत गहरा मामला है, एक सांसद है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और स्वाति को बाहर निकल के आना चाहिए। वो झांसी की रानी है, मर्दानी है, वो डर नहीं सकती। स्वाति मालीवाल से CM आवास में बदसलूकी के मुद्दे पर बीजेपी के नेता हमलावर हैं, तो वहीं RJD भी विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल और उनकी पत्नी, सबका आपस का है, इसमें हम कहां पढ़ने जाएंगे भाई।
केजरीवाल का तो अभी एक ही चेहरा भ्रष्टाचारी चेहरा देख रहे हैं, अब दूसरा चेहरा देखने लगेंगे तो हमें गड़बड़ आ जाएगा। संजय जी ने जिस प्रकार खुल करके सब सारी बातें सामने रख दी और कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने उन्होंने संज्ञान में लिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो मैं समझता हूँ कि इसका पटाक्षेप वही होना चाहिए। घोर अमन, इस तरह के बिहेवियर की सार्वजनिक जीवन में कोई गुंजाइश नहीं है, ये खुद आम आदमी पार्टी ने भी स्वीकार किया। देखिए सीधी सी बात है कि जाहिर है कि इस मामले में क्या है वो तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का व्यवहार करे, वो किसी भी दल का हो, किसी भी ओहदे पे हो, तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, उसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और एक बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, वीपीएन तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकी करते हैं वीपीएन तकनीक का इस्तेमाल, पाकिस्तानी आकाओं से बात करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग ऐप को डीकोड करने में एजेंसियां जुटी हुई हैं, वीपीएन तकनीक की मदद से आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। देखिए दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो एजेंसियां हैं वो आतंकियों और वीपीएन तकनीक की जांच में जुटी हुई हैं। देख सकते हैं आप, घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है, खास करके वीपीएन तकनीक वो तकनीक होती है कि आतंकी अपने आकाओं से अलग अलग ऐप के जरिए बात करते हैं ताकि पकड़े ना जाए, इसे ही डीकोड करने के लिए सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं। टीवी 9 संवाददाता अंकित भट्ट की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आशंका जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी इन्हीं ऑनलाइन ऑफलाइन VPN ऐप्स का इस्तेमाल कर अपने मददगारों और साथ में पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आकाओं से बातचीत करते हैं। इसका सर्वर दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां अब ये डिकोड करने में लगी हुई है कि वो कौन सी ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी बातचीत के लिए कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस पूरे VPN का जो कम्युनिकेशन है उसको जाम किया जाए। इसी के संदर्भ में हाल ही में ही रजौरी के इलाके में प्रशासन और पुलिस ने VPN पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के झुंझुनू में खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। खदान लिफ्ट हादसे में एक अफसर की इसमें मौत हुई, इस हादसे में 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में दरअसल हादसा हो गया था और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। राजस्थान के झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कोलिहान खदान में लिफ्ट की चेन टूटने से सभी लोग फंस गए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। लिफ्ट में फंसे लोगों के परिजन घंटों खदान के बाहर बैठे रहे और अपनों के सुरक्षित बाहर आने की दुआएं करते रहे। स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद 1800 फीट नीचे गिरी लिफ्ट में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू हुआ। बाहर निकाले गए 14 लोगों में से 3 को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। कोई कैजुअलिटी, एक 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 डेड बॉडी हुई, एक कैजुअलिटी हुई है। हाँ जी सर। रेस्क्यू ऑपरेशन दौरान हर तरह की जरूरी मशीनें मंगाई गई, मौके पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम तैनात थी ताकि बाहर निकाले गए लोगों का समय रहते इलाज हो सके। खदान में कर्मचारियों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लिफ्ट मंगलवार रात को गिर गई थी। जानकारी के मुताबिक कुछ अधिकारी खदान की जांच करने के लिए लिफ्ट से खदान में उतर रहे थे, उसी वक्त यह हादसा हुआ। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की सूरत सवर रही है और सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है, देखिए रिपोर्ट। डल लेक की तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के वुलर झील की सूरत भी बदलने वाली है। वुलर झील न सिर्फ भारत बल्कि पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ भी शिकारा और नाव की सैर शुरू हो चुकी है। अब नाविकों को उम्मीद है कि हालात तेजी से बदलेंगे, हमारा रोजगार भी अच्छी तरीके से दिन पर दिन ठीक हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम टूरिस्ट डिपार्टमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि वो पार्क 2-3 यहाँ से मेंटेन करे ताकि हमारा और भी शिकारा बढ़ने लगे। यहाँ आने वाले सैलानियों ने वुलर झील का नाम किताबों में पढ़ा था, जिसे हकीकत में देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, मतलब आप अगर यहाँ पे आएंगे विजिट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंटेन में कितना अच्छा बर्फ गिरी हुई है, बहुत अच्छा व्यू लगा मुझे, काफी अच्छा लगा। हालांकि अभी वुलर झील में सैलानियों की आमद कम है, लेकिन झील के आसपास के इलाकों को विकसित करने की पहल से पर्यटन भी बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी हासिल होगा।